लो तोते, गाजर का हलवा मैंने मीनू चिड़िया के लिए बनाया था, सोचा कि अपने दोस्त तोते को भी दिया हूँ। बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, मैंने भी अपने बेटे के लिए ये पुलाव बनाया है और मिलकर साथ खाते हैं। तोते का पुलाव तो बहुत ही स्वादिष्ट था, वे सब मिलकर पुलाव खाते हैं। चिड़िया और तोता आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। तोते हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी आपस में इसी तरह अच्छे दोस्त बन जाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तोता और मीनू चिड़िया हर वक्त साथ साथ रहते थे और हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। पर कालू कौवा मीनू चिड़िया और तोते की इस पक्की दोस्ती से बहुत ज्यादा ही जलता था। दोस्तों अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कालू कौवे तुमने अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझसे दोस्ती कर ली थी और मैंने भी तुम पर भरोसा करके तुम्हारे पास अपने पैसे रखवाए थे, पर अब तक वो पैसे तुमने मुझे नहीं लौटाए, तुम तो मेरे पैसे ही खा गए। चुप हो जाओ बिल्कुल, मैं ये दोस्ती वोस्ती को नहीं मानता और हाँ मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं देने वाला। हाँ मुझे पता था तुमसे दोस्ती करके मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तुम तो दोस्ती के काबिल ही नहीं हो, धोखा दिया है तुमने मुझे। अरे बुलबुल बहन अपना दिल ना दुखाओ इस कालू कौवे की वजह से, ये तो बहुत ही दुष्कौवा है। ओए कबूतर के बच्चे, ये मेरा और बुलबुल का मामला है ना, तो तुम के बीच में आ रहे हो। अरे जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो तोते और मीनू चिड़िया से सीखना चाहिए कि दोस्ती कहते किसे हैं। ये कहकर कबूतर और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा भी अपने घर पर आ जाता है। कालू जी मैंने देखा है आपको कि किस तरह पैसों के लालच में आपने उस बुलबुल से दोस्ती कर ली थी और फिर उसके पैसे खाकर आपने उससे दोस्ती ही तोड़ दी। शादी से पहले मैं आपको समझती थी कि आप बहुत ही शरीफ कौवे हो, पर अब पता चला कि कितने बुरे हो आप। यार मेरा दिमाग ना खराब करो, वैसे भी बाहर से मैं बहुत कुछ सुनकर आ रहा हूँ। हाँ तो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे अब बात भी नहीं करता। अगले दिन सुबह कालू कौवा मीनू चिड़िया और तोते के पास जाता है। यार तोते मीनू चिड़िया मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना, मैंने अब सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। जरूर तुम किसी लालच में ही हमसे दोस्ती करना चाहते हो ना, परंतु हमें नहीं करनी तुमसे दोस्ती। हाँ कालू कौवे, तुम जैसे लालची कौवे हमारी दोस्ती के काबिल नहीं। कालू कौवे को इतना कहकर वे दोनों पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। पर कालू कौवे को उन दोनों की ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समझते क्या है ये दोनों अपने आप को, मेरी इतनी बेइज्जती की है, इन दोनों से तो मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। मैंने भी ठान ली है बहुत दोस्ती दोस्ती करते हैं ना, अब अगर मैंने इनकी ये दोस्ती ना तोड़वाई तो मेरा नाम भी कालू नहीं। अब कालू कौवा हर समय तोते और मीनू चिड़िया पर नजर रखने लगा था, वे जहाँ भी जाते कालू कौवा उनके पीछे पीछे जाता था। मीनू चिड़िया मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं दवाई लेने दूसरे जंगल जा रहा हूँ, बस तब तक तुम इसका ध्यान रखना। ये भी कोई कहने वाली बात है, बेफिक्र होकर जाओ तुम। ये सुनकर तोता वहाँ से चला जाता है। बेटा तोते तुम आराम करो, तुम्हारे बाबा आ जाएंगे थोड़ी देर में दवाई लेकर। पर मीनू आंटी मुझे खुली हवा में जाना है, इस बन घर में रह रहकर मेरा तो दम घुट रहा है। तो मम्मा मैं और तोता छत पर चले जाते हैं, वहाँ तो ठंडी ठंडी हवा होगी, देखना तोता जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है तुम दोनों छत पर चले जाओ, पर शरारत बिल्कुल मत करना, कुछ देर में आती हूँ मैं भी ऊपर। इजाजत मिलते ही मीनू चिड़िया और नन्ना तोता घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं। देख रहे हो तोते कितनी ताजी ताजी हवा आ रही है। कालू कौवा भी बैठा उन दोनों नन्हे पक्षियों को देखे जा रहा था। मिल गया उपाय, अब देखो मैं कैसे मीनू चिड़िया और तोते की दोस्ती तोड़वाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से जाता है और एक तेल की बोतल लेकर आता है और छुपके से वे सारा तेल जमीन पर गिरा देता है। मीनू चिड़िया और नन्ना तोता भी खेल रहे थे कि तभी मीनू चिड़िया का पाँव उस तेल की वजह से फिसलता है और मीनू चिड़िया नन्हे तोते पर आ गिरता है। धक्का लगने की वजह से नन्हा तोता तो घर से नीचे गिर जाता है। बेचारे छोटे से मासूम तोते का एक पंख टूट जाता है। हाय रे ये कैसी आवाज थी। आवाज सुनकर मीनू चिड़िया बाहर आती है।
हाय रे नन्हे तोते, ये क्या हो गया तुम्हें? मम्मा मम्मा, ना जाने मेरा पैर कैसे फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से मेरा धक्का तोते को लगा और बेचारा तोता नीचे आकर गिर गया। मना भी किया था कि शरारत मत करना, अब मैं तोते को क्या जवाब दूंगी। तभी तोता भी दवाई लेकर वहां पर आता है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे बेटे को, इसका पंख कैसे टूट गया? मीनू चिड़िया रोते रोते तोते को सब बताती है कि तभी कालू कौवा भी थोड़ा मिर्च मसाला लगाने वहां पर आ जाता है। देख लिया तोते, बहुत दोस्ती दोस्ती कर रहे थे ना, मीनू चिड़िया तो तुम्हारे बेटे का ख्याल भी नहीं रख पाई। तोते तोते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलती से हुआ है। हाँ तोते अंकल, ना जाने आपकी छत पर तेल किसने फेंका और उस तेल की वजह से ही मैं फिसला और मेरा धक्का लगने की वजह से तोता नीचे गिर गया। तो मीनू चिड़िया, तुमने बच्चों को अकेले छत पर जाने ही क्यों दिया, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मैं तो कहता हूँ कि अभी क्या भी इस चिड़िया से दोस्ती खत्म कर दो, इसी की वजह से तुम्हारा मासूम सा बच्चा माजूर हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहा है कालू कौवा, तुम मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। तोते तोते, ऐसा तो ना बोलो, मेरी गलती नहीं है इसमें। बस मीनू चिड़िया, अब मुझसे बात ना करना, आज से हमारी दोस्ती यहीं खत्म। ये कहकर तोता अपने जख्मी बेटे को लेकर वह जी के पास चला जाता है। तो ये थी तुम्हारी बचपन की दोस्ती, लो भाई आज खत्म सब। मीनू चिड़िया भी उदास हो जाती है और अपने घर पर आ जाती है। मानो चिड़े, तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी वजह से तोता मुझसे नाराज हो गया। पर मम्मा, मेरी गलती नहीं थी, ना जाने उस घर की छत पर तेल किसने गिरा दिया जिस कारण मैं फिसल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर छत पर तेल गिराया हो ताकि ये सब कुछ हो जाए और तोते और मेरी दोस्ती टूट जाए। कालू कौवा भी घर के बाहर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। अगर तोते और मीनू चिड़िया को छत पर तेल दिख गया तो समझ जाएंगे कि ये सारी मेरी हरकत है, मुझे अभी जाकर वे तेल साफ करना होगा। कालू कौवा अपने घर से एक कपड़ा लेता है और वे तेल साफ करने उस छत पर चला जाता है। नजर ही नहीं आ रहा कि मैंने तेल कहाँ गिराया था। कालू कौवे को तो पता ही नहीं था कि वे जहाँ बैठा है उसके नीचे तो तेल ही तेल है। अचानक से कालू कौवे का पाँव फिसलता है और कालू कौवा भी उस छत से नीचे गिर जाता है। ओए आ, मेरा पर टूट गया, कितना दर्द हो रहा है मुझे। कालू कौवे की ऐसी चीखने की आवाजें सुनकर काफी सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम क्या करने गए थे छत पर जो छत से ही गिर पड़े? मैं तो तेल साफ करने गया था परंतु खुद ही फिसल के नीचे गिर गया। क्या, इसका मतलब तो यही है कि वे तेल तुमने गिराया था छत पर। बहुत ही अच्छी सजा मिली है तुम्हें कालू कौवे, अपने किए हुए गड्ढे में तुम खुद ही गिर गए। मीनू चिड़िया, ये सब कालू कौवे ने किया, पर मैं समझता था कि ये तुमने जानबूझकर किया है। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, मैंने बिला वजह तुमसे दोस्ती तोड़ दी। सच पता लगने पर तोते और मीनू चिड़िया के बीच दोबारा से दोस्ती हो जाती है और कालू कौवा अपनी हरकतों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाता है। दोस्तों, क्या कालू कौवे को ठीक सजा मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक बच्चे का नाम गोलू था और दूसरी उसकी प्यारी टीना थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ, अब जल्दी जल्दी ये भोजन खा लो। अरे माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने हमें भोजन खिलाया है, हमारा पेट भरा हुआ है, हम कैसे ये भोजन खा लें? हाँ माँ, आपने अभी तो भोजन दिया था, ये भोजन भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, परंतु पेट तो पूरा भरा हुआ है, हम ये भोजन कैसे खा सकते हैं? अरे मेरे बच्चों, भोजन सही से नहीं खाओगे तो सेहतमंद कैसे बनोगे? तुम्हें अभी आगे बहुत कुछ करना है, इसके लिए तुम्हें अच्छे से खाना पीना होगा, चलो अब ये भोजन खाओ। फिर वे दोनों बच्चे मजे से भोजन खाने लगते हैं। सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था, परंतु मीनू चिड़िया की मौसी का लड़का कालू कौवा मीनू चिड़िया से काफी जलता था। अरे कालू, तुम बस कुछ भी नहीं करना, हम ऐसे ही गरीबी में मर जाएंगे,
तुम कहते हो कि उस मीनू चिड़िया की सारी जायदाद को हड़प लोगे, परंतु तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता, बस बैठे रहते हो घर में। अरे मैं कोशिश तो करता हूँ कि मीनू चिड़िया के खेत और उसके घर को कुछ ना कुछ करके हथिया लूँ, परंतु मैं क्या करूँ, वह बहुत ज्यादा होशियार है, वह मुझे कभी भी ऐसा करना नहीं देगी। अरे कालू, कब से हम उस मीनू चिड़िया से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता उसके घर को हथिया सकें, परंतु तुमसे कुछ नहीं होने वाला, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मीनू चिड़िया हमें अपना अच्छा दोस्त समझती है, उससे मेरे इन इरादों के बारे में नहीं पता। अब उस मीनू चिड़िया की जायदाद हड़पने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि उस मीनू चिड़िया की हत्या कर दी जाए। हाँ कालू, अब ऐसे ही उसका घर और उसके खेत हमारे कब्जे में आ पाएंगे, तुम मौका पाकर उस मीनू चिड़िया की हत्या कर दो। हाँ अब मैं ऐसा ही करूँगा, मैं उसकी जायदाद को हड़प कर रहूँगा, भले मुझे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। राजू कौवे के माता पिता दोनों ही बहुत ज्यादा दुष्ट थे, परंतु राजू कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे ना जाने मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं? वे जायदाद हड़पने के चक्कर में इतना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं कि मीनू मासी की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे अच्छे भविष्य का क्या फायदा जो किसी के खून से मिला हो। मैं अपने माता पिता को ऐसे करने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वे मेरी कभी नहीं सुनेंगे। फिर क्या था, एक अंधेरी रात आई, जिस रात जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में थी। तभी प्रिया कौवी भागती दौड़ती हुई मीनू चिड़िया के पास आई। अरे अरे मीनू चिड़िया, जल्दी चलो, तुम्हारा भाई और मेरा पति कालू कौवा वहाँ कीचड़ और दलदल में फंस गया है, बारिश भी बहुत ज्यादा तेज है, ना जाने उनको क्या हो जाएगा, जल्दी से चलो। अरे बापरे, ये क्या हो गया, चलिए चलिए जल्दी से चलिए, मैं कालू भैया के पास अभी चलती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया प्रिया कौवी के साथ फौरन से कालू कौवे के पास पहुँचती है, परंतु कालू कौवा तो बिल्कुल ठीक ठाक था। अरे प्रिया, तुम तो कह रही थी कि कालू भैया दलदल में फंसे हुए हैं, परंतु ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भोली मीनू चिड़िया, तुम अभी भी नहीं समझी, मैं किसी दलदल में नहीं फंसा, बल्कि तुम हमारे चार में फंस गई हो। अरे क्या मतलब, ये सब आप क्या कह रहे हैं, और मुझे धोखे से यहाँ पर लाने का आपका क्या मकसद है। मीनू चिड़िया, तुम्हारी मृत्यु का वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारी जायदाद मुझे चाहिए। अरे नहीं कालू भैया, ऐसा मत कीजिए, कृपया कीजिए ऐसा मत कीजिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। परंतु दुष्ट कालू कौवा रोती हुई मीनू चिड़िया की एक बात नहीं सुनता और तेज धार वाले खंजर से मीनू चिड़िया की हत्या कर देता है। हाँ हो गया काम, अब से मीनू चिड़िया की सारी जायदाद अपनी। फिर क्या था, अगले दिन कालू कौवा उसकी पत्नी और राज कौवा तीनों मीनू चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। अरे अंकल, हमारी माँ कल से नहीं आई है, मीनू माँ कहाँ है, वे तो आपको ढूंढने गई थी परंतु वे आई नहीं। अरे मर गई तुम्हारी माँ, उस बारिश के अंदर मर गई, और अगर अब तुम लोगों को इस घर में रहना है तो अच्छे से रहना, वरना तुम दोनों को भी इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगा मैं। प्रिया कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने मीनू चिड़िया के खेत और उसके घर पर कब्जा कर लिया था, परंतु राजू कौवा बहुत ज्यादा उदास था, वे ये सब कुछ ठीक करना चाहता था। मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा दुष्ट हैं। मैं मीनू मौसी को तो बचा नहीं पाया, परंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सच के लिए लड़ूंगा और मीनू चिड़िया के बच्चों को सब कुछ बताऊंगा कि मेरे माता पिता ने मीनू मौसी की हत्या कर दी है। फिर क्या था, राजू कौवा ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को बाहर लेकर जाता है। अरे मेरे भाइयों, मुझे क्षमा कर देना, मेरे माता पिता ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारी माँ
तुम्हारी माँ मरी नहीं है क्या? मीनू माँ जिंदा है? कहाँ है मीनू माँ? मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है माँ? नहीं, तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, बल्कि मेरे दुष्ट माता पिता ने तुम्हारी माँ की जायदाद हथियाने के लिए मीनू माँ की हत्या कर दी है। क्या? कालू अंकल और प्रिया आंटी ने ऐसा किया? मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ के हथियारे हैं वो लोग, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वे दोनों हथियारे हैं। मुझे भी अपने माता पिता से अब नफरत हो गई है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे नहीं समझे। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तोते महाराज को सब कुछ बताऊंगा, फिर वे ही मेरे माता पिता को सजा देंगे। फिर क्या था, वे तीनों बच्चे ऐसा ही करते हैं। वे तीनों तोते महाराज के पास जाते हैं और तोते महाराज को सब कुछ बताते हैं। तोते महाराज का ये सुनकर खून खोल जाता है और तोते महाराज को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या, उन दुष्ट कौवा कौवी ने मीनू चिड़िया की हत्या की है, अब वे दोनों नहीं बचेंगे। फिर तोते महाराज उन दोनों कौवा कौवी को बंदी बना देते हैं और उसके बाद से वे दोनों हमेशा कैद में ही रहे। और वहीं वे तीनों बच्चे हमेशा मीनू चिड़िया को याद करते थे और एक साथ ही रहते थे। ये कहानी एक मोर की है। मोर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही मासूम था। इसे नाचना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। इस बार भी मोर बड़े मज़े से अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। अरे पक्षियों, वो देखो, मोर नाच रहा है। अब देखना, हमारे जंगल में बस कुछ ही देर में बारिशें शुरू हो जाएंगी। मोर का नाचना बादलों को बहुत पसंद था, जिस कारण बादल खुश होकर जंगल में बारिशें कर देते थे। अरे वाह, बारिशें शुरू हो गई, अब तो और मजा आएगा। देखो पक्षियों, मैंने कहा था ना, मोर जैसे ही नाचता है जंगल में बारिशें शुरू हो जाती है। अरे तो ये अच्छी बात है ना पक्षियों, कि हमारे जंगल में बारिशें होती ही रहती हैं। क्या खाक अच्छा है मीनू चिड़िया, जब भी बारिशें होती हैं हमारे घर कमजोर हो जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, और तो और किसी किसी पक्षी के तो घर भी टूट जाते हैं। हम पक्षियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ भाई, मैं तो इस मोर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसका नाच देख कर बादल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमारे जंगल में आए दिन बारिशें ही कर देते हैं। अरे भाई, तुम पक्षी कभी नहीं समझोगी। कुछ देर बाद बारिशें रुक जाती हैं। बुलबुल मोर के पास आती है। मोर भाई, आप अकेले मोर हो जो हमारे जंगल में रहते हो, आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते? बुलबुल बहन, मुझे तुम सब पक्षी और ये जंगल बहुत पसंद है। तुम पक्षी मेरा परिवार हो और मैं इसीलिए इस जंगल को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोर की बात सुनकर बुलबुल को गुस्सा आ जाता है और वे वहां से चली जाती है। अरे भाई, ये बुलबुल बहन को क्या हो गया? अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो बुलबुल बहन इतनी गुस्से में यहाँ से चली गई। सारे पक्षी बड़ी मेहनत से अपने घरों से बारिश का पानी साफ करते हैं। शुक्र है भाई, अब सुकून मिला मुझे, वरना मेरा पूरा घर तो बारिश के पानी से भर गया था। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी बारिश न होने का कोई उपाय सोच रहे थे। रानी, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों बादल भैया के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वे हमारे जंगल में अब बारिशें ना करें। और हाँ कालू जी, अब बादल भाई से बात करनी ही पड़ेगी हमें। फिर कालू कौवा और रानी कौवी बादलों के पास जाते हैं। अरे कालू कौवे, रानी कौवी, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? बादल भाई, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। मैं जानता हूँ कि आप सब बादलों को मोर का नाच बहुत पसंद है, जिस कारण आप हमारे जंगल में आए दिन बारिशें करते रहते हैं। परंतु आपको पता है, आपके बारिशें करने से हम पक्षियों का कितना नुकसान होता है। हम पक्षी तो बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। हाँ बादल भाई, हम आपसे यही कहने आए हैं कि अब आप हमारे जंगल में और बारिशें ना करें। अगर तुम पक्षियों के घर टूट जाते हैं तो ये तुम्हारा मसला है। तुम अपने घर मीनू चिड़िया की तरह मजबूत बनवाओ, ताकि बारिशों से तुम्हारे घर ना टूट सकें। बारिशें तो तुम्हारे जंगल में हर महीने होती रहेंगी, वैसे भी तुम्हारे जंगल को बारिशों से बहुत ज़्यादा फायदा है। चलो रानी, बादल भाई से और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मानेंगे। बस इस तरह एक महीने के बाद जंगल में दोबारा से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मोर बारिश की खुशी में दोबारा से नाचने लगता है। अब सारे पक्षी मोर से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके थे और उससे काफ़ी ज़्यादा जलने लगे थे।
पक्षियों कुछ भी करो, अब तो हमें मोर को अपने जंगल से निकालना ही होगा। जब मोर ही नहीं होगा तो हमारे जंगल में बारिशें भी नहीं होंगी। उपाय तो ये बहुत अच्छा है पक्षियों, अब हमें मोर को किसी भी तरह अपने जंगल से निकाल देना चाहिए। हाँ ठीक है पक्षियों, हम सब पक्षी मिलकर चलते हैं उस मोर के पास और उसे धक्के देकर अपने जंगल से निकाल देते हैं। वे इकलौता मोर इस जंगल में किसी काम का नहीं, उसे इस जंगल में अब नहीं रहना चाहिए। अरे भाई क्या हो गया है तुम सब पक्षियों को, जरा सोचो तो, ये बारिशें हमारे जंगल के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। अगर बारिशें ही नहीं होंगी तो हमारे जंगल में फसलें कहाँ से लगेंगी। मीनू चिड़िया, हम अपनी फसलों में नदी से लाकर पानी डालेंगे, परंतु हमें अपने जंगल में मोर नहीं चाहिए। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो, परंतु मैं तुम पक्षियों का साथ कभी नहीं दूंगी। एक दिन आएगा जिस दिन तुम सब पक्षी बहुत पछताओगे। बस फिर सारे पक्षी गुस्से में उस मोर के पास जाते हैं। मोर तो बारिश में बहुत ही मजे से नहा रहा था। देखो पक्षियों कितनी तेज बारिशें हो रही हैं, और बारिश में तो नाचने का मजा ही अलग है। और बताओ पक्षियों, आप सब पक्षी कहाँ गुम हो? मुझसे तो कोई पक्षी बात ही नहीं करता, सिर्फ एक मीनू चिड़िया है जो सिर्फ मुझसे बात करती है। मोर भाई, हम यहाँ तुमसे गपशप लगाने नहीं आए, तुम्हें ये कहने आए हैं कि अब से तुम हमारे जंगल में नहीं रहोगे, क्योंकि हम पक्षी तुमसे बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं। अरे क्या बात है तोते, आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम सब पक्षी मुझे जंगल से निकाल रहे हो? तुम्हारा नाचना बादलों को बहुत पसंद है, इसीलिए वे हर महीने हमारे जंगल में बारिशें कर देते हैं। तुम इस जंगल से चले जाओ ताकि बादल भाई हमारे जंगल में बारिशें ना करें और हमें सुकून मिल जाए। वाह भाई, ये जंगल सिर्फ तुम पक्षियों का नहीं है बल्कि ये जंगल मेरा भी है। मैं इस जंगल को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी मोर, चले जाओ इस जंगल से, वरना कल हम तुम्हें इस जंगल से धक्के देकर निकाल देंगे। कालू कवे, कल क्यों? इस मोर को हम अभी के अभी अपने जंगल से निकाल देते हैं। फिर पक्षियों के गुस्सा होने पर मोर उदास होकर जंगल छोड़कर चला जाता है। ये सब कुछ बादल भी देख लेता है। अब ये पक्षी बारिश के लिए तरसेंगे, परंतु अब इस जंगल में बारिशें कभी नहीं होंगी। अब उस जंगल में बारिशें नहीं होती, जिस कारण सारे पक्षी अब बहुत ज्यादा खुश थे। आधा साल गुजर जाता है, जंगल में गर्मियाँ हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। इतनी मेहनत से मैंने अपनी फसल लगाई थी, परंतु इतनी तेज धूप के कारण मेरी सारी फसल जल गई। हाँ, गर्मी के कारण अब तो नहर का पानी भी सूख गया है, जंगल में एक बूंद पानी नहीं। ना जाने अब हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे। मैं कहती थी ना पक्षियों, एक दिन तुम पक्षी बहुत पछताओगे। बारिश तो हमारे जंगल के लिए अब बहुत जरूरी है। हाँ मीनू चिड़िया, हमने बिला वजह मोर भाई को इस जंगल से निकाल दिया, जबकि उन्हीं की वजह से हमारा जंगल हरा भरा था। चलो कालू कवे, हम दोनों बादल भैया के पास चलते हैं और चलकर उन्हीं से बात करते हैं। अब फिर अब कालू कौवा और मीनू चिड़िया बादलों के पास जाते हैं। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पर? मैंने कहा था ना, अब तुम्हारे जंगल में बारिशें कभी नहीं होंगी। चलो यहाँ से चले जाओ अब। हमें माफ कर दे बादल भाई, हमने बहुत गलत किया, परंतु इस समय हमारे जंगल को बारिश की बहुत जरूरत है। आप हमारे जंगल में चल के बारिश कर दें। तुम पक्षी बहुत स्वार्थी हो, तुमने अपने स्वार्थ के खातिर उस बेचारे मोर को अपने जंगल से ही निकाल दिया। बस अब जब तक तुम पक्षी उस मोर को अपने जंगल में वापस नहीं लाते, जब तक तुम्हारे जंगल में बारिशें नहीं होंगी। चलो कालू कौवे, मोर भाई के पास चलते हैं और चल के उन्हें मनाते हैं। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया मोर के पास दूसरे जंगल जाते हैं। मोर भाई, हमें आपसे कुछ कहना है, हमारी बात तो सुनिए आप। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पर? अब क्या मुझे इस जंगल से भी निकालना है? हमें माफ कर दो मोर भाई, हमने बिला वजह अपने जंगल से निकाल दिया तुम्हें। तुम्हारी वजह से तो हमारा जंगल हरा भरा था। हाँ मोर भाई, आपके जाते ही हमारे जंगल की बहुत बुरी हालत हो गई। बारिश ना होने की वजह से हम पक्षियों की सारी फसलें बर्बाद हो गई। हमें माफ कर दे मोर भाई, आगे से हम पक्षी आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। मीनू चिड़िया, कालू कौवे, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर मोर खुशी खुशी अपने जंगल वापस चला जाता है। अब मोर के वापस आने से जंगल में दोबारा से बारिशें शुरू हो जाती हैं।
और अब मोर के नाचने की वजह से सारे बादल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।